उस एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर हम लोग ऑडियो सेक्शन को कैसे रिपेयर करते हैं, मतलब मदरबोर्ड के अंदर ऑडियो सेक्शन को चेक कैसे किया जाता है या ऑडियो सेक्शन को चेक करने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एंड्रॉयड सेट ऑडियो सेक्शन, यदि हमारे पास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आता है, उस एंड्रॉयड मोबाइल फोन में से स्पीकर माइक रिंगर किसकी समस्या आती है, हमारे पास जो मोबाइल फोन आता है, जो हमारे मोबाइल फोन के अंदर ऑडियो सेक्शन होता है, तो ऑडियो सेक्शन में से दो पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट हो जाते हैं? दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो सबसे पहला पार्ट होता है जो एक तरफ का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर स्पीकर, जो हमारे मोबाइल फोन ऊपर की तरफ लगा होता है बात करने वाला, जैसे हम किसी को फोन मिलाते हैं, हाय हेलो करते हैं, तो जो ऊपर आवाज आती है ना, उसको बोलते हैं ईयर स्पीकर। क्या बोलते हैं? ये होगा पहला। उसके बाद दूसरा होता है रिंगर। क्या होता है? रिंगर। रिंगर का मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में गाने बजते हैं, सॉन्ग म्यूजिक लाउड स्पीकर वगैरह जो भी आता है, तो ये सब किसके माध्यम से आता है? रिंगर के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से आता है? रिंगर के माध्यम से आता है। तो ऊपर वाला जो बात करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? ईयर स्पीकर। जो गाने बजाने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंगर। उसके बाद तीसरा जो होता है, आवाज जो भेजने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? माइक। तो आपके मोबाइल फोन में ईयर स्पीकर, रिंगर, माइक, ये तीन चीजें मिलकर के पूरे ऑडियो सेक्शन से जुड़े होते हैं। अगर ये नहीं चलता तो आपके मोबाइल फोन में हेडफोन चलता है। क्या चलता है? हेडफोन चलता है। क्या चलता है? हेडफोन चलता है। यदि कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में स्पीकर रिंगर काम नहीं करता। क्या नहीं काम करता? स्पीकर रिंगर काम नहीं करता। तो स्पीकर रिंगर काम ना करने का मतलब होता है कि या तो उसमें ईयर स्पीकर नहीं काम कर रहा, या तो रिंगर नहीं काम कर रहा, या तो उसमें से माइक नहीं काम कर रहा है। तो अगर इनमें से तीनों चीजें बंद हो जाती है, जिसका मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में ऑडियो सेक्शन नहीं काम कर रहा है। क्या नहीं काम कर रहा है? ऑडियो सेक्शन। या तो मोबाइल फोन में ऐसा होता है कि हेडफोन लग जाता है। क्या लग जाता है? हेडफोन का सिंबल बन करके आने लगता है, तो आपके मोबाइल फोन में भी स्पीकर रिंगर माइक काम करना बंद कर देता है। तो हम लोग दोनों सर्किट को पढ़ेंगे। अगर हमको ऑडियो सेक्शन पूरा अच्छे से समझना है तो हमको पहले नंबर ये सर्किट को समझना पड़ेगा, उसके बाद दो नंबर हेडफोन सर्किट को समझना पड़ेगा, तभी हम मोबाइल फोन में से ऑडियो सेक्शन को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। कस्टमर कह रहा है कि अगर मेरा कस्टमर कह रहा है कि हमारे किसी नंबर को मिलाते हैं तो हमारी आवाज जा नहीं रही है, तो इसका मतलब होता है मोबाइल फोन में माइक खराब है। यदि कस्टमर कह रहा है हमारे मोबाइल फोन में गाने नहीं बज रहे हैं, तो इसका मतलब होता है रिंगर खराब है। यदि कस्टमर कह रहा है कि हमको किसी से बात नहीं हो पा रही, उसकी आवाज हमको नहीं सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब ईयर स्पीकर खराब है। अगर ये कह रहा है सब नहीं काम कर रहा है, स्पीकर रिंगर माइक सब बंद हो गया है, तो इसका मतलब होता है जो मोबाइल फोन में हेडफोन का सिंबल बन जाता है, या हेडफोन सिलेक्ट हो जाता है, या हेडफोन पकड़ लेता है, तो उसमें से ऑडियो सेक्शन पूरा काम करना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से पहले हम लोग इसको चेक करना सीखेंगे, फिर हम लोग इसको चेक करना सीखेंगे, तभी हम लोग ऑडियो सेक्शन को पूरा दोनों तरीके से प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, ये जो हमने आपको बताया हुआ है, ये पूरे आपके मोबाइल फोन में मैंने ऑडियो सेक्शन आपको बनाकर दिखाया हुआ है कि हमारे पूरे पास जो मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर जो ऑडियो सेक्शन लगा होता है, वो ऑडियो सेक्शन जो होता है कैसे काम करता है, उस ऑडियो सेक्शन को हम लोग कैसे चेक करते हैं, उसका पूरा मैंने सर्किट बनाकर दिखाया हुआ है। ये जो बना हुआ है, ये तुम्हारे ऊपर वाले स्पीकर का सर्किट है। किसका है? ऊपर वाला जो स्पीकर लगा उसका सर्किट है। और ये आपके मोबाइल फोन जो रिंगर लगा होता है, रिंगर का मतलब होता है ऑडियो सेक्शन है, यहाँ से ऑडियो के जो सिग्नल आते हैं, वो सिग्नल यहाँ से एम्पलीफाई होते हुए रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए रिंगर आईसी बजाते हैं। ये आईसी जो तुम्हारी लगी इसकी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिंगर आईसी। रिंगर आईसी क्या होती है? एक एम्पलीफायर आईसी होती है। ये रिंगर आईसी को काम करने के लिए कैपेसिटर इनसे सप्लाई होते हुए जब रिंगर आईसी को आ जाती है, तो रिंगर आईसी क्या करती है, उसको काम करने के लिए वीपीएच सप्लाई चाहिए होती है 3.7। जब वीपीएच सप्लाई 3.7 वोल्टेज रिंगर आईसी को जाती है, तो रिंगर आईसी जो ये सिग्नल आ रहे थे, ये ऑडियो सिग्नल होते हैं। कौन से सिग्नल होते हैं? ऑडियो सिग्नल। ये ऑडियो सिग्नल जो आते हैं, इन ऑडियो सिग्नल को क्या काम करते हैं, ये आईसी एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई करने से क्या होता है, सिग्नल बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, उसको सीपीयू से कमांडिंग भी रहती है। सीपीयू अपने अंदर से ऑडियो इनेबल सप्लाई देता है, जिससे रिंगर आईसी ये क्लियर कर पाती है कि तुमको कितना आवाज बढ़ाना है, कितना आवाज नहीं बढ़ाना है, कम करना है। तो यहाँ से कंट्रोलिंग होती है। फिर दो क्वाइल के माध्यम से आउटपुट निकलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिंगर आउटपुट लाइन होती है। ये क्वाइल के माध्यम से सप्लाई जाती है यूआई पर। कहां पर जाती है?
यूआई से यूआई का पत्ता लगता है, पत्ते तो सप्लाई दूसरी तरफ चली जाती है, वहां पर पत्ते में से फिर दो स्पीकर के टिप्स दिए होते हैं, रिंगर के टिप्स दिए होते हैं, जहां से रिंगर हमारा अटैच होता है और रिंगर अटैच होने के बाद मोबाइल फोन में से गाना बजना चालू हो जाता है। तो इस टिप्स के माध्यम से ही हमारे मोबाइल फोन में सॉन्ग म्यूजिक लाउड स्पीकर जो बजना चालू हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर टिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर टिप्स बोलते हैं। और यह माइक होता है, माइक जो लगा होता है सभी मोबाइल फोन में चार पिन का पाया जाता है। कितने पिन का पाया जाता है? चार पिन का माइक पाया जाता है। जो चार पिन का माइक होता है, चार पिन का माइक में से दो पिनें माइनस होती हैं, दो पिनें क्या होती हैं? प्लस होती हैं। माइनस वाली पिनें जो होती हैं, माइनस वाली पिनें क्या होती हैं? ग्राउंड होती हैं। कैसी होती हैं? माइनस वाली पिनें ग्राउंड होती हैं। जब माइनस वाली पिनें ग्राउंड होती हैं तो माइनस को दो को छोड़ दीजिए, जो दो प्लस पिनें होती हैं। तो माइक को काम करने के लिए सबसे पहली बात, पावर आईसी से माइक के लिए वोल्टेज जाते हैं, जिसको हम लोग वीरेक सप्लाई बोलते हैं, और ये वोल्टेज 2.8 वोल्टेज होते हैं, इसको माइक के बाइसिंग वोल्टेज बोलते हैं। ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए यूआई पत्ते से दूसरी तरफ से होते हुए माइक पे चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? माइक पे चले जाते हैं। जैसे सप्लाई माइक पे चली जाती है तो माइक क्या काम करती है? अपने अंदर से माइक का पॉजिटिव डाटा सिग्नल निकालती है। क्या करती है? माइक के अंदर से पॉजिटिव डाटा सिग्नल निकालती है। वो डाटा सिग्नल यूआई पत्ते से होते हुए फिर माइक पे आ जाता है, जिससे हमारी आवाज दूसरी तरफ जाने लगती है। मतलब जो आवाज जाने का काम करती है वो किसके माध्यम से जाती है? पॉजिटिव डाटा लाइन से। और जब इधर से वोल्टेज आएगा तब इधर से डाटा जाएगा। अगर यहाँ से वोल्टेज नहीं आएगा तो क्रिस्टल माइक होता है, यह माइक एक्टिव नहीं होता। जब माइक एक्टिव नहीं होता तो आवाज नहीं जाएगी। मतलब जब वोल्टेज आएगा तो आवाज जाएगी, जब वोल्टेज आएगी तो यहाँ से डाटा निकलेगा। हाँ, इसका जो पूरा सर्किट होता है वो पावर आईसी से जुड़ा होता है। स्पीकर हो, रिंगर हो, माइक हो, इसका जो पूरा सर्किट होता है वो पावर आईसी के माध्यम से जुड़ा होता है। आप देखिए, मैं इसको एक बार चेक करने का आपको तरीका समझा देता हूँ और फिर आप लोग इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ करिए, ठीक है? माइक की लाइन में दोबारा समझा देता हूँ। माइक की लाइन में होता क्या है कि माइक को काम करने के लिए यहाँ से वोल्टेज जाते हैं। क्या होते हैं? यहाँ से वोल्टेज जाते हैं। जब पावर आईसी से वोल्टेज माइक को चले जाते हैं तो माइक के अंदर से फिर जो बोलते हो तो डाटा आता है। क्या होता है? वो डाटा यहाँ से होते हुए पावर आईसी पे जाता है, तब हमारी आवाज दूसरी तरफ जा पाती है। ठीक है, ये इसका काम करने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में से स्पीकर रिंगर माइक काम नहीं करता, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ, पूरा शुरू से। आपके पास कोई भी फोन आए, स्पीकर रिंगर माइक काम ना करे, तो पहले देखिए उसमें क्या नहीं काम कर रहा है। किसी कस्टमर को फोन मिलाइए, अपने ही नंबर पर फोन मिलाइए, बात करिए। अगर ऊपर वाला नहीं काम कर रहा है, कि रिंगर नहीं काम कर रहा है, कि माइक नहीं काम कर रहा है, तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करिए। अगर आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही तो स्पीकर खराब है, गाना नहीं बज रहा तो रिंगर खराब है, आवाज जा नहीं रही तो माइक खराब है। अब आप देख लीजिए, अब आपने देख लिया कि मान लिया ऊपर मोबाइल फोन में स्पीकर खराब है, क्या खराब है? तो स्पीकर वाला सेक्शन चेक करने की जरूरत है। तो अगर स्पीकर खराब है तो आप मोबाइल फोन खोलेंगे, मोबाइल फोन खोलने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप मोबाइल फोन में स्पीकर के ऊपर जाली लगी होती है, इसको जाली को साफ करें। इसमें धूल मिट्टी गर्दा भर जाती है तो आवाज कम आती है, नहीं आती है, बिल्कुल आवाज आना बंद हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो जाली लगी होती है जाली को हम लोग क्या करेंगे? साफ करेंगे। जब जाली साफ करेंगे, जाली साफ करने के बाद फिर भी हमारे मोबाइल फोन में काम नहीं करता, तो हम लोग फोन खोलेंगे, स्पीकर की टेस्टिंग करेंगे। स्पीकर की टेस्टिंग होती है, उसको हम लोग चेक करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करने पर बीप आएगी। स्पीकर को जो हम चेक करेंगे तो उसमें चेक करने पर क्या आती है? बीप आती है। अगर स्पीकर चेक करने पर बीप देता तो सही है, फटी फटी आवाज देता तो खराब है, स्पीकर को चेंज कर देंगे। आपने स्पीकर चेंज कर दिया, अब आपको स्पीकर का लाइन चेक करना है। स्पीकर का लाइन चेक करने के लिए स्पीकर के जो दोनों पॉइंट्स होते हैं, दोनों पॉइंट्स में यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर दोस्त आपको वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू जो होती है 300 से लेकर 600 वैल्यू होती है। किसी भी ट्रैक में जब जीआर वैल्यू मिलती है तो जीआर वैल्यू मिलने से ये पता चलता है कि वो ट्रैक जो होता है वो अपने आईसी से कनेक्ट है। अगर कोई ट्रैक अपनी आईसी से कनेक्ट होता है तो ही उसमें जीआर वैल्यू आती है। अगर ट्रैक ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब होता है लाइन हमारी ब्रेक हो गई है, ऐसा हमको पता चलता है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंटों में चेक करेंगे तो 300-600 जीआर वैल्यू आएगी। अगर जीआर वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब लाइन हमारा ब्रेक हो गया है। क्या लाइन ब्रेक हो गया है? यहाँ से लाइन में, इसके लाइन में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये खराब हो जाते हैं, इनको हम लोग जम्पर मार देते हैं, लाइन हमारा चालू हो जाता है, स्पीकर रिंगर की लाइन खुल जाती है और आवाज आना चालू हो जाती है। अगर मान लिया इसके लाइन में तुमको बीप आना मिल जाती है, बीप आना चालू हो जाती है, मतलब बीप आने लगती है,
तो बीप आने का मतलब होता है उसके लाइन में जो डायोड लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं। तो इन डायोड को हमको चेक करना पड़ता है, अगर ये डायोड तुम्हारा शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बीप आना चालू हो जाएगी, तो इस डायोड को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ईयर स्पीकर के लाइन को चेक करेंगे। यदि आपके मोबाइल फोन में रिंगर नहीं काम करता, क्या नहीं काम करता, रिंगर नहीं काम करता, तो रिंगर ना काम करने पर आप मोबाइल फोन में से सबसे पहली बार नीचे का जो रिंगर होता है उसको खोलें। एंड्रॉइड के बहुत मोबाइल फोन ऐसे आते हैं जिसमें रिंगर के लिए नीचे का पूरा डब्बी लगा होता है, क्या लगा होता है, डब्बी लगा होता है। तो आप मोबाइल फोन खोलेंगे, सबसे पहले उस डब्बी को चेक करेंगे। डब्बी को चेक करने का मतलब होता है उसे चेक करोगे तो बीप देगा, क्या देगा, चेक करने पर। अगर वो चेक करने पर बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता है तो खराब है। अगर खराब होता है तो डब्बी को चेंज कर दीजिए, फटी फटी आवाज आती तो चेंज कर दीजिए। अगर आपने चेंज कर दिया उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, अब आप लाइन चेक करेंगे, हैं? हाँ, पूरा डब्बी चेंज हो जाती है। अब डब्बी चेंज करने के बाद फिर भी प्रॉब्लम सेम है, अब आप क्या करेंगे, इसे लाइन चेक करेंगे। स्पीकर के रिंगर के टिप्स में यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी चेक करने पर 200-300-600 GR वैल्यू मिलेगा। अगर यहाँ पर दोनों पर चेक करने पर 300-600 GR वैल्यू मिलता है तो GR वैल्यू मिलने का मतलब होता है हमारा लाइन क्या है, सही है। अगर वैल्यू नहीं मिलता तो लाइन हमारा खराब है। अगर वैल्यू नहीं आता तो आप कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू ना है तो लाइन ब्रेक है, तो आप यहाँ से लेकर के कॉइल से लेकर के यूआई से लेकर के पत्ते तक चेक करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ तुमको वैल्यू नहीं मिल रही है तो रिंगर आईसी, जहाँ पर भी ऑडियो आईसी लगी होती है, रिंगर आईसी लगी होती है, उसके पास में भी दो कॉइलें लगी होती है, इन दोनों कॉइलों में चेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। अगर यहाँ पर वैल्यू आ रही हो, यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब होता है यूआई का पत्ता क्या हो गया, खराब हो गया। अगर यूआई का पत्ता खराब हो जाए, यहाँ पर वैल्यू ना है, तो आप चाहो तो पूरा ये तो यूआई का पत्ता चेंज कर सकते हो। अगर नहीं चेंज करना तो इस रिंगर टिप से उठा करके यहाँ पर और इस टिप से उठा करके यहाँ पर आप जम्पर मार देंगे तो भी आपके मोबाइल फोन में से रिंगर बच जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि यूआई देखा गया, यूआई खराब हो जाता है तो रिंगर का लाइन ब्रेक हो जाता है। जब रिंगर का लाइन ब्रेक हो जाता है तो हम ऊपर वाले टिप से उठा करके नीचे तक जैसे जम्पर मार देंगे तो जम्पर मारने से हमारा यूआई का कनेक्शन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जब यूआई का कनेक्शन चालू हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में से स्पीकर काम करना चालू हो जाएगा, तो फिर हम लोग स्पीकर का लाइन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लाइन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। आपने चेक कर लिया स्पीकर का लाइन सही है या यहाँ पर भी वैल्यू नहीं आ रही है तो ये कॉइल खराब हो जाती है, कॉइल खराब हो जाती है, कॉइल को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, लाइन हमारा चालू हो जाएगा। उसके बावजूद भी दिक्कत सेम है, फिर भी नहीं काम कर रहा है, फिर भी रिंगर नहीं काम कर रहा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रिंगर आईसी को, जो पावर आईसी से ऑडियो का जो सिग्नल आ रहे हैं, वो ऑडियो सिग्नल मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। ऑडियो सिग्नल चेक करने के लिए आपको इसके लाइन में जो कैपेसिटर लगा होता है इसको चेक करना होता है, +2.2 kΩ का रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इन दोनों को चेक करना होता है। ज्यादातर मोस्टली 90% केस में ऐसा देखा जाता है कि कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर क्या, ये सीरीज में लगा हुआ है, यहाँ पर जो तुम्हारा ऑडियो सिग्नल आता है वो ऑडियो सिग्नल क्या हो जाता है, पास हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर काम होता है सिग्नल को पास करना। जैसे सिग्नल पास हो जाएगा वो रेजिस्टेंस के माध्यम से हुए रिंगर आईसी को जाएगा, रिंगर आईसी को काम करने के लिए वीपीएच की सप्लाई आएगी। वीपीएच के लाइन में काम करने के लिए कई बार ऐसा होता है रिंगर आईसी के लाइन में छोटा सा फ्यूज भी लगा होता है, जिससे वीपीएच की सप्लाई होते हुए इस आईसी को जाती है। जब आईसी हमारा काम करेगी तो काम करने के बाद तब हमारा ऑडियो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के बाहर निकलेगा और हमारे मोबाइल फोन में से रिंगर का सर्किट चलेगा। अगर रिंगर का सर्किट नहीं चलता तो सबसे पहली बात आप उसके आउटपुट यूआई कॉइल को चेक करिए, उसके ऑडियो में जो आने वाली सप्लाई है उसको चेक करिए, वीपीएच सप्लाई को चेक करिए, सीपीयू से आने वाली इनेबल लाइन को चेक करिए। जब ये सारा लाइन सही है उसके बावजूद भी रिंगर नहीं काम कर रहा है तो फिर आपके दोस्तों रिंगर आईसी क्या है, खराब है। फिर रिंगर आईसी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर यदि आपके मोबाइल फोन में माइक नहीं काम कर रहा है तो माइक ना काम करने का मतलब होता है आप नीचे का माइक चेंज करिए, माइक खराब है तो पूरा यूआई भी चेंज कर सकते हैं। कई बार हाँ कर सकते हो, रिवॉल्व करने का तरीका होता है कि रिवॉल्व करके पानी आने में गया तो रिवॉल्व करके दोबारा लगाओ चल जाएगा, ठीक है, नहीं तो दूसरा डालना पड़ेगा। अगर माइक काम नहीं करता तो माइक ना काम करने पर माइक को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। फिर भी दिक्कत आती है तो नीचे एंड्रॉइड मोबाइल फोन में पूरा नीचे का यूआई आता है, पूरा यूआई का यूआई चेंज कर देंगे। फिर भी दिक्कत आती है तो माइक के लाइन को चेक करेंगे। माइक में होता क्या दोस्तों, कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन में 3 पिन का भी माइक लगा होता है, कई बार फोन में 6 पिन का माइक लगा होता है। तुमको इस बात से कोई मतलब नहीं, तुमको बाकी जो पिनें कम ज्यादा हो सब माइनस में ही कम ज्यादा होती रहती हैं, लेकिन जो प्लस की पिन होती है दो ही होती हैं, इसमें से एक वोल्टेज की लाइन की पिन होती है, एक डाटा लाइन की पिन होती है। तो माइक में जब आप चेक करेंगे तो माइक के वोल्टेज की लाइन में चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको GR वैल्यू मिलेगा। ये GR वैल्यू मिलता है 400 से लेकर 700 तक GR वैल्यू मिलता है। अगर यहाँ पर GR वैल्यू मिलता है तो उसका मतलब सर्किट सही है। और जो माइक का जो पॉजिटिव पिन होता है इस पर GR वैल्यू नहीं मिलता है, इस पर GR वैल्यू आकर के चला जाता है।
जीआर, इसमें जीआर वैल्यू इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें यहाँ से सिग्नल जा रहा होता है, उसमें वहां से आ रहा होता है, इसलिए जीआर वैल्यू आती है, इसमें से जीआर वैल्यू नहीं आती। तो यहाँ पर अगर वैल्यू नहीं आती तो इसके लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसके लाइन को पूरा चेक करेंगे, पॉजिटिव की लाइन को चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव लाइन खराब हो जाएगा तो हमको उसको सर्किट को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। अब इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक पिन को यहाँ रखेंगे, यहाँ से रखने के बाद यूआई तक बीप आएगी, यूआई से होते हुए इसके आगे तक बीप आएगी, आगे से बीप होते हुए इसके लाइन में भी मैंने तो तुमको डायरेक्ट बना दिया है, लेकिन इसके लाइन में भी कंपोनेंट लगे होते हैं। हाँ, तो उस कंपोनेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये आप या तो मल्टीमीटर से चेक करके पता कर सकते हैं, या तो फिर सिमेटिक डायग्राम में अभी दिखाऊंगा तो उसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं, जिससे सर्किट को कैसे चेक कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको टू स्पीकर रिंगर माइक तीनों सर्किट मैंने आपको बना के दिखाए हुए हैं, आप इसको एक बार बना लीजिए, फिर मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इसको चेक कर पाएंगे। पावर आईसी से इसकी बात करें, इसकी बात करें, ये वाला, ये जो वोल्टेज नहीं आता ये सिग्नल होता है, ये ऑडियो के सिग्नल होते हैं, ये ऑडियो वही सिग्नल होते हैं जो तुम्हारे हेडफोन को जाते हैं। किसको जाते हैं, हेडफोन को जाते हैं, हेडफोन समझते हो, जो ऊपर वाला जो बात करते हो, बहुत मामूली से सिग्नल जाता है, बहुत कम आवाज होती है, जब वो जाता है तो ये एम्पलीफाई कर देती है, एम्पलीफाई करने में तब ये बाहर निकलता है। जब हम लोग स्पीकर रिंगर माइक में जाएंगे और ये हमारे मोबाइल फोन में पूरा ऑडियो सिस्टम खुल गया है, सबसे पहले मैं देखो यहाँ पर डिटेल दिए थे, ये तुम्हारा ये वाला लाइन है स्पीकर आउट पी, स्पीकर आउट एम, एमपी का मतलब पॉजिटिव रंग में माइनस, ये लिखा माइक का बाइसिंग यानी वोल्टेज का लाइन है, ये माइक का पी डाटा लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा हेडफोन का सिग्नल लाइन है, मतलब जो ऑडियो आईसी को जो सिग्नल आता है ना, ये उसका लाइन है, ऑडियो आईसी को जो दो सिग्नल आते हैं कैपेसिटर के माध्यम से, ये वो लाइन है जिसमें लिखा हेडफोन आर हेडफोन ईयर से, जो पीएम ईयर एम ईयर सी, सी का मतलब पॉजिटिव, एम का मतलब होता है माइनस। देखो जब तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑडियो का तुम्हारा एम्पलीफायर लाइन है, कौन सा लाइन है, ऑडियो एम्पलीफायर लाइन है, इनेबल लाइन है, ये तुम्हारा वीपीएच पावर लिखा, वीपीएच पावर का मतलब जिसमें वोल्टेज जाता है। अब देखिए अगर हमको मोबाइल फोन में स्पीकर का लाइन देखना तो स्पीकर का लाइन के लिए सबसे पहले तो ऊपर जाएंगे, ये दिख रहा है स्पीकर का लाइन, यहाँ पर स्पीकर के दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट से होते हुए सप्लाई यहाँ से होते हुए ये सप्लाई तुम्हारी जा रही है पावर आईसी के अंदर, कहाँ जा रही है, पावर आईसी के अंदर। आप देखिए यहाँ बीच में तो कुछ नहीं लगा हुआ, सीधे डायरेक्ट लाइन जा रही है इन दोनों पिनों पे, इसका जो भी सबको दिया सब यहीं पर दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, यहीं दिया हुआ। अगर कल को खराबी आएगी तुम्हारा स्पीकर लाइन काम करना बंद कर देगा तो जो भी दिक्कत आएगी तुम्हारी यहीं पर दिक्कत आएगी। अगर मान लिया तुम्हारा स्पीकर काम करना बंद कर देता है तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, स्पीकर के दो पॉइंट होते हैं, दो इधर, यहाँ पर स्पीकर आपका क्या होता है, टच हो जाता है। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर दोस्तों 300 से लेकर 600 वैल्यू मिलेगा, हैं? हाँ, ग्राउंड से चेक करेंगे, रेड पिन को ग्राउंड पर रखकर ब्लैक से चेक करेंगे, इसमें एक माइनस एक प्लस होता है लेकिन ग्राउंड वाला माइनस नहीं होता, सप्लाई होती है वो माइनस की। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर क्या आएगा, वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, 300 से लेकर 600 वैल्यू आएगी, इसमें चेक करेंगे तो भी 300-600 वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू आती तो लाइन सही है, वैल्यू नहीं आती तो लाइन क्या है, खराब है। अगर वैल्यू नहीं आने का मतलब होता है क्या, लाइन खराब हो जाता है। वैल्यू ना आने का इसके लाइन में क्या लगे होते हैं, ये डायोड लगा होता है, क्या लगा होता है, डायोड के बाद सप्लाई आगे जाता है, कैपेसिटर पर जाता है, कैपेसिटर के बाद फिर एक रजिस्टर पर जाता है, रजिस्टर के बाद सप्लाई आगे चली जाती है। ये जो तुम्हारा लगा सीरीज में पैरेलल में ये सीरीज में पैरेलल में अगर यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू नहीं आती तो वैल्यू ना आने का मतलब होता है ये रजिस्टेंस खराब हो जाएगा, जिस कारण से वैल्यू आना बंद हो जाएगी, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, जम्पर मार देंगे, लाइन क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पर बीप आना चालू हो जाती है तो इसका मतलब होता है, आप बीप आने का मतलब होता है इसके पैरेलल में जो डायोड लगा है ये शॉर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बीप आएगी, बीप आने पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हटा देने से हमारा सर्किट सही हो जाएगा, हमारा लाइन चालू हो जाएगी। अगर यहाँ पर बीप आने लगेगी तो बीप आने का मतलब होता है हमारा लाइन क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। जो हमारा लाइन शॉर्ट हो गया तो लाइन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर क्या आएगी, वैल्यू आएगी, क्या आएगी, वैल्यू आएगी। जैसे वैल्यू आएगी तो वैल्यू आने से क्या होगा, हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा।
जब सर्किट चालू हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में स्पीकर का रिंगर का लाइन काम करना चालू हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो सर्किट हमने चेक किया है उसको हम लोग ईयर स्पीकर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर स्पीकर सर्किट बोलते हैं। जैसे ईयर स्पीकर सर्किट बोलते हैं तो हम लोग इस लाइन को क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो यहाँ पर चेक करने पर कितना वैल्यू आता है? 3600 वैल्यू आता है। अगर 3600 वैल्यू आता है तो इसका मतलब ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं आता तो ट्रैक खराब है। ईयर स्पीकर सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईयर स्पीकर सर्किट। अब ये तो ईयर स्पीकर का तरीका हो गया। यदि मान लिया तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन आता, उस मोबाइल फोन में से रिंगर नहीं काम करता, क्या नहीं काम करता? यदि आपके मोबाइल फोन में स्पीकर का लाइन होता तो इसको हम लोग ऐसे चेक करेंगे। यदि आपके मोबाइल फोन में रिंगर का लाइन होगा तो रिंगर के लाइन के लिए इसमें दोस्तों क्या आता है? यूआई से सप्लाई आती है। कहाँ से आती है? यूआई पे। ये देखेंगे तुम्हारा रिंगर के लिए यूआई बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यूआई। यहाँ से यूआई पे पिन नंबर, नीचे यूआई का पत्ता लगा हुआ, नीचे यूआई का सिस्टम नहीं दिया हुआ है। अगर यूआई का देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। मैं यूआई भी दिखा देता हूँ तुम्हारा। ये आपके मोबाइल फोन में यूआई खुल गया। ये यूआई में यहाँ पर तुम्हारा स्पीकर टच होता है। क्या टच होता है? एक स्पीकर यहाँ टच होगा, एक यहाँ टच होगा, दोनों पॉइंट टच होंगे। यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर चेक करने पर कितना वैल्यू आएगा? 3600 वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पर चेक करने पर 3600 वैल्यू आता है, 3600 वैल्यू आने का मतलब होता है हमारा ट्रैक सही होता है। इस पर चेक करते हैं तो भी 3600 वैल्यू आता है। अगर वैल्यू नहीं आता तो इसके लाइन में देखेंगे तो इसके लाइन में यहाँ पर ये देखो दो कॉइलें लगी, हटा दिए मतलब कॉइलें लगी पैरेलल में, ये दो कॉइलें लगी होती है जो सप्लाई को ऐसे क्या करते थे, पास करते हैं, या फ्यूज भी लगे होते हैं कई बार यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों सप्लाई यहाँ से होते हुए जाती हैं, और दोनों सप्लाई कहाँ पर जाती हैं? ये तुम्हारा इस पे यूआई पत्ते पर जा रहे हैं, और यूआई पत्ते से जब हमारा सप्लाई लग जाती है तो यूआई पत्ते सप्लाई इस पे आ जाती है। नीचे से पत्ता ऊपर लग जाता है तो यहाँ पर सप्लाई आ जाती है। उसके बाद ये दोनों सप्लाई आ जाती है, इसके लाइन में क्या लगे होते हैं? कॉइल लगी होती है। देखो दिख रहे हैं, ये कॉइल है, कॉइल से सप्लाई कहाँ चली आएगी? रिंगर आईसी के अंदर। ये कॉइल से सप्लाई चली आएगी रिंगर आईसी के अंदर। अब रिंगर आईसी को काम करने के लिए जो रेड कलर की लाइन आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच पावर। क्या बोलते हैं? ये तुम्हारी चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी से जो वीपीएच सप्लाई निकलती है, ये वीपीएच सप्लाई यहाँ से निकलने के बाद आगे कैपेसिटर से होते हुए और सीधे रिंगर आईसी के अंदर घुस जाती है। फिर रिंगर आईसी को काम करने के लिए पावर आईसी से ऑडियो सप्लाई आती है। ये दोनों ऑडियो सप्लाई आ रही है, ऑडियो सिग्नल जिसको हम लोग बोलते हैं। ये देखिए, ये तुम्हारी पावर आईसी, पावर आईसी तो दो ऑडियो सिग्नल निकले, एक ये और ये। ये ऑडियो सिग्नल यहाँ से निकलने के बाद कैपेसिटर पर जा रहे हैं, कैपेसिटर पैरेलल में लगा, ये भी पैरेलल में लगा। उसके बाद ये रेजिस्टेंस लगा, ये सीरीज में लगा है। कितना लगा है? ये 0 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। ये 0 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में लगने के बाद फिर सप्लाई आगे जा रही है। फिर सप्लाई आगे जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो, देखो ना यहाँ पर देखो कैपेसिटर लगे हैं, एक ये कैपेसिटर लगा, ये कैपेसिटर लगा, ये दोनों जो कैपेसिटर लगे हैं ये सीरीज में लगे हैं। किसमें लगे हैं? सीरीज में लगे। उसके बाद फिर ये दो रजिस्टर लगे, एक रजिस्टर लगा 3 किलो ओम का, दूसरा रजिस्टर लगा 3 किलो ओम का। मैंने 2.2 किलो ओम लगा है, इन्होंने 3 किलो ओम का लगा रखा है, कम ज्यादा होते रहते हैं इसमें। तो यहाँ पर इन्होंने 3 किलो ओम का रजिस्टेंस लगा दिया है। 3 किलो ओम का रजिस्टेंस तो सप्लाई होते हुए चला जाता है तुम्हारा ऑडियो आईसी के अंदर, 2, 3, 1.5 कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी कितना लगा दे। उसके बाद ये देखो, ये तुम्हारा देखो एक रेजिस्टेंस लगा है, ये सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई तुम्हारी इनेबल सप्लाई है। कौन सी सप्लाई है? ये इनेबल सप्लाई तुम्हारी कहाँ से आ रही है? सीपीयू से आ रही है। किसके माध्यम से आ रही है? देखो देखा ऑडियो पावर एम इनेबल सप्लाई। इसको हम लोग इनेबल सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेबल सप्लाई बोलते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर इनेबल सप्लाई करते हैं, जब इनेबल सप्लाई पे जाएगी तो इनेबल के बाद ये सप्लाई यहाँ से सीपीयू से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? सीपीयू से निकलेगी। सीपीयू से जो इनेबल सप्लाई निकलेगी, सीपीयू से इनेबल सप्लाई निकलने के बाद
इसमें जाएगी। अब ये तुम्हारी जो रिंगर आईसी यहाँ से ये आउटपुट निकलते है जिससे रिंगर को जाता है, ये तुम्हारी रिंगर आईसी लगी हुई है। अगर कल को तुम्हारी रिंगर आईसी खराब हो जाएगी तो तुम्हारे मोबाइल फोन में से रिंगर बजना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब रिंगर बजना बंद हो जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिंगर की जो सप्लाई होती है रिंगर की सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जब रिंगर की सप्लाई को चेक करेंगे तभी आपके मोबाइल फोन में से रिंगर की लाइन काम करना चालू होगी। तो ये ऑडियो की लाइन आती है, किसकी लाइन आती है, ऑडियो की लाइन आती है। ये जो आते हैं इसको वोल्टेज वीपीएच की लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वीपीएच वोल्टेज की लाइन बोलते हैं। उसके बाद ये जो सप्लाई निकलती है ये हमारे कौन सी लाइन होती है, स्पीकर एम स्पीकर पी, स्पीकर पॉजिटिव नेगेटिव की लाइन होती है। जो पॉजिटिव नेगेटिव की लाइन जो होती है यूआई पत्ते से लेकर के नीचे तक जाती है, कहाँ पर जाती है, यूआई पत्ते से लेकर के नीचे तक जाती है, इसका हम लोग यूआई पत्ते की लाइन बोलते हैं। यही होता है, अच्छा इसकी बात कर रहे हो, नहीं इसमें जैक बदलता रहता है, ये जैक का छोटा बड़ा हो जाए। जब चेंजेस होगा तो उस चेंजेस को तुमको भी देखना पड़ेगा। जैसा होगा वैसा देगा। ये जो तुम्हारा लाइन दिया हुआ है, ये तुम्हारा किसका लाइन है, ऑडियो सेक्शन का लाइन है। यदि तुमको माइक देखना है तो माइक के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यूआई, देखो इधर यूआई में ये तुम्हारा माइक लगा है, ये देखो माइक लगा है। ये माइक में से देखो अगर देखेंगे दो पिन इधर होती है, दो पिन इधर होती है, ये माइनस वाली होती है, ये दो प्लस की पिन है। किसकी पिन है, इस प्लस में से अगर ये देखेंगे तो एक तुम्हारी लाइन जो होती है माइक पी लिखा है, क्या लिखा है दिखाई दे रहा सबको वहां से, ये लिखा माइक पी, माइक पी का मतलब होता है डाटा का लाइन है। और एक में लिखा माइक बी, इसमें लिखा वो बाइसिंग यानी वोल्टेज का लाइन होता है, जो है वो ग्राउंड है। तो इस पे माइक को वो काम करने के लिए यहाँ पर वोल्टेज आते हैं, इसमें सप्लाई गई है, सप्लाई लाइन के बीच में रेजिस्टेंस लगा है, उसके बाद ये डाटा की लाइन है, ये डाटा, ये दोनों लाइन पहले यूआई से जैक पे जाएंगे, ये दिख रहा यूआई जैक, ये यूआई जैक पे गई। अगर दोनों लाइन में देखेंगे तो एक पिन नंबर वन पे गई, एक इधर से पिन नंबर लास्ट पे गई, सेकंड पे गई। तो ये हाँ उधर से चलेगी। अब यहाँ से होने के बाद ये सप्लाई जाएगी मेन पत्ते पे जाएगी, कहाँ पे जाएगी, मेन पत्ते से ये आ गई सप्लाई, पिन नंबर 16 और पिन नंबर 14, पिन नंबर 14 की लाइन है। पिन नंबर 14 की लाइन में रेजिस्टेंस लगा 0 ओम का, देखो लगा है, फिर एक कैपेसिटर लगा है। अगर कल को रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये तुम्हारी माइक की डाटा की लाइन है, और ये जो वायलेट कलर की लाइन है ये तुम्हारी कौन सी लाइन है, बाइसिंग की लाइन है, वोल्टेज की लाइन है। अब ये दोनों लाइनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों लाइनें यहाँ से जा रही हैं, एक ऊपर को भी चला गया, ये दोनों लाइनें यहाँ से होने के बाद कैपेसिटर से होते हुए कहाँ चली जाएंगे, पावर आईसी के जरिए। तो ये जो आपका ये जो माइक का वोल्टेज का लाइन है इसके लाइन में कैपेसिटर लगा है, और जो येलो कलर का लाइन है तुम्हारा माइक का डाटा लाइन है, क्या लाइन है, अच्छा जो ये वोल्टेज लाइन होता है ये वोल्टेज लाइन यहाँ से निकलेगा और यही वोल्टेज लाइन तुम्हारा ये माइक को आगे चला जाता है। ये वोल्टेज लाइन तुम्हारे इधर को चला जाएगा, उसके बाद ये जो वोल्टेज लाइन है ये तुम्हारा माइक सेकेंडरी माइक के लिए जाएगा। ये वाला देखो माइक लगा ऊपर, अब इसका जो माइक का जो पी डाटा है उसका माइक, हाँ अब देखो वोल्टेज एक ही वोल्टेज होता है दोनों माइक को जाता है, लेकिन जो डाटा होता है वो अलग अलग आता है। जो इसका इसका जो आप बोलेंगे हाय हेलो, इसका देखो माइक टू पॉजिटिव लिखा है और उसमें लिखा था माइक वन पॉजिटिव। अब इसका डाटा देखो, इसका जब भाई वोल्टेज जाएगा तो वोल्टेज निकलने के बाद इसके बाद डाटा निकल जाएगा, ये भी पावर आईसी पे जाएगा। देखो ये ना, ये माइक टू पॉजिटिव और ये माइक वन पॉजिटिव, उधर ही
ये लिखा है, ये लिखा माइक वन पॉजिटिव, वो माइक टू पॉजिटिव, मतलब एक ही माइक है, एक ही माइक से दोनों डाटा जाता है। मतलब इन लोगों ने सर्किट जो बना रखा है वो ये पावर आईसी है। ये माइक तुम्हारा नीचे का हो गया और ये माइक तुम्हारा ऊपर का हो गया। इस नीचे का दो ग्राउंड है, इधर नीचे का दो ग्राउंड होता है, इधर से वोल्टेज गया, ये वोल्टेज इधर को गया, यही वोल्टेज इधर को गया। ये माइक जो होता है ये वोल्टेज लाइन होता है, ये वोल्टेज इसको भी जाता है, यही वोल्टेज इसको जाता है, फिर दोनों से डाटा निकल के आता है। इसीलिए क्या होता है, इस माइक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी माइक और इस माइक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड माइक। इसीलिए कई बार ऐसा होता है नीचे का माइक खराब हो जाता है लेकिन ऊपर वाला माइक हमारा काम करता है, क्योंकि ऊपर का कनेक्शन हमारा चालू रहता है। पुराने में आता हमने कि नए ज्यादातर फोन में सभी में नई माइक आई रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। अब इसको लिखो रिपेयरिंग टिप्स। हाँ, रिपेयरिंग।